चरक संहिता के जनक महर्षि चरक याद किए गए रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में। नाग पंचमी के दिन उनका जन्मदिन पड़ता है। कॉलेज परिसर में हवन भंडारे के बाद छात्रों ने शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। आज से नहीं 3000 साल पहले से लिखा हुआ है चरक संहिता। चरक संहिता के जनक महर्षि चरक याद किए गए रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में। नाग पंचमी के दिन उनका जन्मदिन पड़ता है। कॉलेज परिसर में हवन भंडारे के बाद छात्रों ने शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। आज से 3000 साल पहले लिखी थी चरक संहिता। रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में महर्षि चरक की जयंती मनाई गई, पूजा अर्चना की गई, शहर में जन जागरण रैली निकाली गई। हम आपको बता दें, महर्षि जनक आयुर्वेद के सबसे बड़ी पुस्तक चरक संहिता के रचयिता माने जाते हैं। माना जाता है आज के दिन ही नाग पंचमी के दिन ही उनका जन्म। आज से 3000 साल पहले महर्षि चरक द्वारा लिखी पुस्तक चरक संहिता में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो किसी व्यक्ति को उपचार में जरूरी होता है, फिर चाहे वह मेडिसिन हो या फिर ऑपरेशन की पर्ची। आज के आधुनिक युग में जो चीजें इलाज के लिए प्रचलित है उसे महर्षि चरक ने 3000 साल पहले ही लिख दिया था, जिसके चलते आयुर्वेद आज भी बेहतर तरीके से फल फूल रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना वायरस संक्रमण काल में देखा। हर व्यक्ति आयुर्वेद की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। लगभग सभी ने आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया। महर्षि चरक ने 3000 साल पहले जो पुस्तक लिखी थी उसमें वर्णित जड़ी बूटियों का उपचार आज भी डॉक्टर करते हैं। महर्षि चरक को पढ़ने के बाद रीवा के आयुर्वेदिक कॉलेज में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, प्रसाद का वितरण किया गया। उसके बाद रीवा शहर की प्रमुख सड़कों पर जन जागरण रैली निकाली। यह रैली समाप्त हुई रीवा के कोठी कंपाउंड स्थित शंकर जी के मंदिर में। महर्षि चरक जयंती को लेकर हमने आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रचार से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं महर्षि चरक की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बारे में उन्होंने हमें क्या कुछ बताया। जैसा कि प्राचार्य महोदय ने साफ तौर से बताया, आज से 3000 साल पहले महर्षि चरक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका इस्तेमाल आज भी हम लोग उन जगहों पर करते हैं जहां पर हमें इलाज की जरूरत पड़ती है, जड़ी बूटियों की जब हमें जरूरत पड़ती है। किस जड़ी बूटी का क्या काम है, किस उपचार में ये जड़ी बूटी काम में आती है, ये जानकारी हासिल करने के लिए आज भी हम चरक संहिता का इस्तेमाल करते हैं, उसको पढ़ते हैं। साफ तौर से माना जा सकता है चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक ने जो पुस्तक लिखी है वो हमारे लिए एक वरदान से कम है, जिसके चलते आज 3000 साल बाद भी वह पुस्तक एक जीवित स्थिति में हमारे बीच में मौजूद है। हम उनका इस्तेमाल बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ते हैं। आयुर्वेद कॉलेज में आज भी आचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का काफ़ी महत्व है। महर्षि जनक ने जिस तरीके से पुस्तक लिखी उसके बाद वह पुस्तक आज भी 3000 साल बाद भी जिंदा है। चरक संहिता हर आदमी जानता है, चरक संहिता से बड़ी आयुर्वेद की कोई भी पुस्तक नहीं। इस मामले को लेकर हमने आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमें क्या कुछ बताया। आज नाग पंचमी के दिन महर्षि चरक, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान या महर्षि आप बोल सकते हैं, प्रणेता तो नहीं कर सकते, चरक जो हमारे सबसे मुख्य ग्रंथ है चरक संहिता, वो उनके द्वारा लिखित है। ये ऐसा माना गया है कि वो नागवंश के थे, तो नाग पंचमी के दिन उनका प्रादुर्भाव दिवस मनाते हुए, उनकी जन्म तिथि आज के दिन मानते हुए, हम लोग नाग पंचमी के दिन चरक जयंती का आयोजन प्रतिवर्ष हमारे महाविद्यालय में छात्र छात्रा एवं पूरे परिवार के द्वारा इस प्रकार से किया जाता है। इसमें आज छात्रों ने चरक संहिता, जो हमारा मुख्य ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसका पाठ रखा गया है। अभी पूजा अर्चना हुई, पूजा के बाद में अभी पाठ चल रहा है। पाठ के बाद में प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण के बाद में एक छात्र छात्राओं के द्वारा एक जन जागरूकता रैली, जिसको हम शोभा यात्रा भी कह सकते हैं, ये विभिन्न मार्गों के शहर से होते हुए और कोठी कंपाउंड के शंकर जी के मंदिर पर समाप्त होगी, जो कि एक सावन का महीना भी चल रहा है, तो शंकर जी के मंदिर पर इसको समाप्त करेंगे और वहाँ पर जाके ये पूर्ण कार्यक्रम होगा। तो आचार्य चरक जो हैं उसमें
जो अध्याय दिए हुए हैं उसमें सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर द्रव गुण भी है, उसके अंदर मेडिसिन भी है, उसके अंदर सर्जरी भी है। तो इतना विस्तृत ग्रंथ है जो लगभग आज से 3000 साल पुराना ग्रंथ है।